आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही कमाल का एडवांस्ड एआई सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप अपनी बेकार से बेकार फोटो की क्वालिटी को भी एनहांस कर सकते हो। अगर आपकी कोई इमेज ब्लर हो रखी है या फिर इमेज के अंदर कोई नॉइज है या फिर आपकी कोई पुरानी फोटो है, इन सब की क्वालिटी को आप एनहांस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पर इंस्टॉल करना होगा। इसका डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे या philipphilip.com की वेबसाइट पर आ जाओगे, बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। यहां पर आप देख सकते हैं philipphilip क्लियर मैक्स फॉर फोटो अ मैजिक एआई फोटो एनहांसर टू कीप योर मेमोरी क्लियर। ये सॉफ्टवेयर आपका विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7 सभी पर काम करता है। सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी इमेज को अनब्लर कर सकते हो, रीटच कर सकते हो। अगर आपकी इमेज के अंदर नॉइज वगैरह है तो उसे भी आप क्लियर कर सकते हो। कोई आपकी पुरानी फोटो है उसको भी आप एनहांस कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है उसे आपको कलर फोटो में कन्वर्ट है वो आप कर सकते हो। कोई कार्टून फोटो है, एनिमे फोटो है तो उसको भी आप बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी कोई नॉर्मल फोटो है उसको आप 4K क्वालिटी तक में एनहांस कर सकते हो। इसके अलावा इमेज फॉर्मेट कन्वर्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप किसी भी फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो वो कर सकते हो। HD फोटो कन्वर्टर का ऑप्शन मिल जाता है, बैच फोटो प्रोसेसिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को आपको करके देख लेना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्री डाउनलोड, आपको फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है। जब आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड में देख सकते हो यहाँ पर जो डाउनलोड का बटन आ रहा है, यहाँ पर एक exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इस पर हमें डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके इस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो रही है। उसके बाद स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, philipphilip क्लियर मैक्स फॉर फोटो एआई फोटो एनहांसर। यहाँ से जो भी इमेज आपको सिलेक्ट करनी हो सिलेक्ट इमेजेस पर क्लिक करके भी आप अपनी इमेज सिलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा नीचे कुछ इमेजेस इसमें पहले से दी गई है तो पहले मैं इन्हीं इमेजेस को इस्तेमाल करके देखूंगा। जो पहली इमेज है इसे हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इमेज टाइप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपको अपना इमेज टाइप सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपकी एआई इमेज है तो एआई इमेज हमने यहाँ सिलेक्ट कर रखी है, पोर्ट्रेट है, ओल्ड फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट है, या फिर आपका कोई एनिमल फोटो है, नाइट व्यू है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर एआई मॉडल यहाँ देखने को मिल जाते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एडवांस्ड एआई पर काम करता है। सबसे पहले यहाँ पर एक फेस मॉडल देखने को मिलता है, यानी आपकी इमेज के अंदर कोई फेस है तो आपको ये फेस मॉडल सिलेक्ट कर लेना है। अब फेस मॉडल के अंदर भी कुछ ऑप्शन मिलते हैं जैसे सॉफ्ट, नेचुरल, शार्पन। इसके अलावा दूसरा मॉडल है जनरल मॉडल। जनरल मॉडल में जैसे कोई भी अगर आपकी इमेज है, किसी भी तरह की नॉर्मल इमेज है, जनरल इमेज है, उसे अगर आपको यहाँ पर करना है तो जनरल मोड आपको सिलेक्ट कर लेना है। जनरल मोड के अंदर भी आपको हाई क्वालिटी और फास्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपकी इमेज के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज है उसे आपको क्लियर करना है तो आप डी नॉइज मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद कलर करेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको कलर करेक्शन करना है अपनी इमेज में तो इसे सिलेक्ट कर लो कलर करेक्शन वाले ऑप्शन को। इसके अलावा यहाँ लो लाइट मॉडल दिया गया है। लो लाइट मॉडल में अगर आपने नाइट में कोई फोटो शूट की है, अगर उसके अंदर आपको कुछ बहुत ज्यादा नॉइज वगैरह उसे क्लियर करना है आपको तो लो लाइट मॉडल आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद एक मॉडल है कलराइज मॉडल। अगर आपकी कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है उसे आपको कलरफुल फोटो में कन्वर्ट करना है तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ओल्ड फोटो का एक यहां पर ऑप्शन दिया गया है, ओल्ड मॉडल यहां दिया गया है। अगर आपकी कोई पुरानी फोटो है उसे आप अगर एनहांस करना चाहते हो तो आपको ये ओल्ड मॉडल सिलेक्ट कर लेना है, ओल्ड फोटो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक स्क्रैच रिपेयर का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपकी इमेज पर फोटो के ऊपर बहुत ज्यादा इस तरह के स्क्रैचेज हैं, इस तरह के स्क्रैचेज को अगर आप हटाना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको ये वाला मॉडल सिलेक्ट करना है, स्क्रैच रिपेयर। इसके बाद यहाँ पर रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिया गया है। आप अपनी लो क्वालिटी की इमेज को हाई क्वालिटी की इमेज में भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर को यूज करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इमेज टाइप सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर एआई इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एआई मॉडल सिलेक्ट करना है, फेस मॉडल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद रेजोल्यूशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर रेजोल्यूशन में 400% सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद सिंगल क्लिक आपको करना है यहां पर एनहांस नाउ पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सॉफ्टवेयर अपना काम कर देगा, बहुत जल्दी ही आप देख पाओगे। अब आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर का कमाल। ये हमारी ओरिजिनल फोटो थी और ये हमारी एनहांस होने के बाद ऐसी क्वालिटी बन चुकी है। थोड़ा सा मैं आपको इसे जूम करके दिखाता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारी ओरिजिनल फोटो थी और ये है हमारी
एनहांस होने के बाद। इस सॉफ्टवेयर का ये है कमाल। तो सिंपल आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, जैसे आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे ये आपके पीसी के फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इमेज हमारी यहाँ पर इस तरह से इस क्वालिटी में आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं अपनी एक इमेज ले रहा हूँ जो थोड़ी सी ब्लर हो रखी है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी पुअर है, तो इसे हम इम्प्रूव करके देखने वाले हैं। सबसे पहले इमेज टाइप सेलेक्ट करेंगे AI, उसके बाद फेस मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरा यहाँ पर फेस है तो फेस मॉडल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद रेजोल्यूशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेजोल्यूशन में 400% ही रखता हूँ और उसके बाद सिंपल एनहांस नाउ पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही एनहांस नाउ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर कुछ ही सेकेंड में इस इमेज की क्वालिटी को एकदम से यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिटी में साफ साफ फर्क दिख सकता है। ये है हमारी ओरिजिनल इमेज और ये है हमारी फाइनल इमेज एनहांस होने के बाद। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज की क्वालिटी को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हो। मैं इसे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देता हूं, अभी हमारे फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर फोल्डर में हमारी इमेज यहाँ पर सेव हो चुकी है और क्वालिटी इसकी काफी इंप्रूव हो चुकी है, एनहांस हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, मेरे पास ये पुरानी फोटो है, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, इसे मैं ले लेता हूँ और इसे आप करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, इसे मैंने कलर फोटो में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं ओल्ड फोटो सिलेक्ट कर लिया मैंने और उसके बाद फेस मॉडल पर मैंने क्लिक किया, ओल्ड फोटो, ओल्ड फोटो का ऑप्शन हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एनहांस नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो ये हमारी ओरिजिनल ओल्ड फोटो थी और अब ये कन्वर्ट होने के बाद कुछ इस तरह की बन चुकी है। क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वालिटी यहाँ पर इम्प्रूव हो चुकी है। उसके बाद सिंपल एक्सपोर्ट पर क्लिक करो, इमेज आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से जिस टाइप का आपका फोटो है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको डी नॉइज मॉडल का ऑप्शन मिल जाता है, कलर करेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप सिंगल सिंगल इमेज को ऐड करके तो एनहांस कर ही सकते हो, साथ ही साथ इसमें हमें बल्क इमेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप बैच में बहुत सारी इमेजेस को एक साथ प्रोसेस करना चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप इमेजेस को ऐड कर लो, उसके बाद एनहांस नाउ पर क्लिक कर दो तो आपकी बहुत सारी इमेजेस एक साथ प्रोसेस हो जाएंगी, एनहांस हो जाएगी उनकी क्वालिटी। उसके बाद सिंपल एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दो। इसके अलावा ये आप देखो, ये जो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज थी बिल्कुल इसने क्लियर कर दिया है, इमेज का फर्क आप देख सकते हो, बहुत आसान है, इमेज को देख सकते हो क्लियरली। ये देखिए, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, इसे बाय करने के लिए आपको जाना है इनकी वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक बाय नाउ का बटन देखने को मिलेगा, आपको बाय नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इनके सारे प्लान्स देखने को मिल जाएंगे, मंथली प्लान, वन ईयर प्लान, लाइफ टाइम प्लान। यहाँ से आप बाय नाउ पर क्लिक करके जो भी प्लान आपको अच्छा लग रहा है वो बाय नाउ पर क्लिक करके बाय कर सकते हो। साथ ही साथ पेपाल का ऑप्शन मिल जाता है, पेपाल के थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऊपर एक कूपन देखने को मिल रहा है, इस कूपन को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को आप प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हो। अपने क्लाइंट्स के लिए उनकी इमेजेस या फोटोज की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए आप उनसे चार्ज कर सकते हो और ये काम आप प्रोफेशनली कर सकते हो। फिलिपलिक्स का ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।